हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमएसएन टेक्नो वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है हैदराबादी खुशक कीमा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये कीमा लिया है हमने, तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा है। लहसुन जो है हमारा 2 खाने का चम्मच जाएंगे इसमें। 2.5 से 2 चम्मचे जो है पिसी हरी मिर्च, सिंपल हरी मिर्च है, कुछ भी इसमें नहीं मिला हुआ, सिर्फ सादी हरी मिर्चें आप बारीक पीस लें, 2 चम्मचे ये चले जाएंगी। तेल 1/2 कप जाएगा हमारा। पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, इसमें लौंग है, काली मिर्ची है, ज़ीरा है और दालचीनी का है और 1 बड़ी इलायची है। इसमें इसको बारीक पीस लीजिए और इसमें जाएगा गार्निश के लिए हरा धनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब हमारा चले जाएगा इसमें ऑयल। इसमें सबसे पहले हम तेल डाल लेते हैं। तेल जैसे ही हमारा गरम होता है हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। फ्लेम थोड़ा तेज़ कर लीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाते बन जाएगी आपकी रेसिपी। इससे पहले मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको जो कीमा बताया था वो खड़े मसाले का कीमा बनाया था, वो रेसिपी भी हमारे कीमे से थी। एक रेसिपी में और कीमे की बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगी। अभी तो खैर हमारा कीमा डे चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमने गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला जैसे ही डालेंगे तो हम इसमें पहले डाल देंगे अपना कीमा। तो फ्राई कर लेंगे अच्छे से। कीमा हमारा खुशक हो गया है, अच्छी तरह हमने पानी को उसका खुश कर लिया है। अब इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मचे भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए ये हरी मिर्ची चली गई इसमें। और भूनेंगे थोड़ा सा। सिर्फ 10 मिनट और इसको दम देंगे, उसके बाद ये डन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नमक चले जाएगा, 1 चम्मच नमक जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, अंदाजे के मुताबिक डालिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप चाहते हैं जितना आप यूज़ करते हैं। मैं नमक ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अब इसको दम पर रख देंगे, जैसे ही ये डन हो जाएगा उसके बाद फिर हम गार्निश कर देंगे इसको धनिया से, हरी मिर्चें से। और फिर हम अपने चलेंगे चावल, बघारे हुए चावल की तरफ, जो सर्विंग करेंगे सर्व करेंगे इसके साथ हम। तो हम इसका फ्लेम स्लो कर देते हैं। हमारा कीमा दम पे रखा हुआ है, दम हो रहा है कीमा। जब तक हम अपने चावल को रेडी कर लेते हैं, बघारे हुए चावल को जनाब घी मैंने लिया है 1/2 कप। घी मैं चावल में ज़रूर यूज़ करती हूँ, तेल चावलों में नहीं डालती। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, चावल कुछ भी बनाए उसमें घी यूज़ करें, उसका एक अलग टेस्ट आता है। ठीक है, अच्छा, एक दरमियानी छोटी सी प्याज हमने ली है। जैसे ही हमारा ये घी गरम होता है तो हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। इसमें ज़ीरे वाले बघारे चावल जाते हैं और इसमें थोड़ी सी प्याज जाती है। जैसे ही ये ज़ीरा हमारा फ्राई हो जाता है थोड़ा सा, तो भी हम इसमें प्याज डाल देंगे। सिंपल रेसिपी है, बस ये कि थोड़ा सा कीमे के साथ जो है चावल जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके में प्याज चले गई, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज फ्राई होती है तो हम अपने चावल इसमें ऐड कर देंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे।
ये देखें, और इसमें पानी ऐड करेंगे, सब पानी चले जाएगा। एक पानी और एक चावल, सॉरी नमक और पानी। ये मेरी समझ में नहीं आता कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो शायद वो इस चीज़ को वो नहीं करें, लेकिन पानी का अंदाज़ा भी मेरा ख़्याल है चावल देख के ही किया जाता है। तो अगर अंदाज़ा है आपको, चावल ज़्यादा भीग जाते हैं तो भी हम एक पानी कम डालना पड़ता है, और एक नमक। नमक बास लोग कम खाते हैं, बास लोग थोड़ा तेज़ खाते हैं, तो ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ख़ुद जो है वो डिसाइड कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखें चावलों में ज़्यादा, तकरीबन चावल मेरा आधा घंटा भीगे हुए थे, तो इसलिए मैंने इसमें पानी कम डाला है। अगर आपके ज़्यादा चावल नहीं भीगे हुए हैं तो आपको पानी ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए चावल का अंदाज़ा आपको पानी जब डालें आप, तो आप देख लीजिएगा चावल कितना सोख करते हैं पानी को, तो उसी अंदाजे से पानी आप उसमें ऐड कीजिए। और जैसे ही हमारे चावल में जोश आता है तो हम इसको दम पर रख देंगे। इसमें जब जोश आएगा जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, अभी शुरू में नहीं करेंगे, ठीक है जनाब। देखिए चावल में बबल बनना शुरू हो गए हैं, अब आप इसमें नमक डाल दीजिए। तकरीबन एक चम्मच हमने नमक डाला है, आप अंदाजे से नमक डालिएगा। नमक का सही अंदाज़ा जो है वो एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, कि चावल में अगर नमक आपको तेज़ लगे तो इट्स मीन चावल बनने के बाद नमक सही रहेगा, और चावल में ही अगर फीका है पानी में तो इट्स मीन पानी जो है वो सोख करेगा तो वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो चावल में नमक तेज़ लगना चाहिए थोड़ा सा आपको, तो चावल के अंदर बिल्कुल नमक सही शामिल हो जाता है, ठीक है। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए, थोड़ा सा पानी बचाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे। दम लगने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको कीमे की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए कीमा भी ऑलमोस्ट हमारा डन होने वाला है। जैसा कि आप पानी देख रहे हैं कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल दम पे बन रहा है जनाब, इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला, ठीक है। इसको अभी फिर दोबारा हम दम पे रख देते हैं। ये देखिए चावल में जोश आ गया है, और जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होता है तो हम इसको दम पे रख देंगे चावलों को। ये देखिए जनाब थोड़ा सा पानी अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पानी है इसमें। अब ये हमारे चावल जो हैं वो दम के लिए तैयार हैं, तो हम इसको दम लगा। ये देखिए फ्लेम मैंने ठीक ठाक तेज़ कर दिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप फ्लेम तेज़ करिएगा, जब आपका अच्छा सा तवा गर्म हो जाए, और फिर आप इसको दम के लिए हमने रख दिया। फ्लेम देखिए अच्छा खासा तेज़ किया है मैंने। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी भाप बन चुकी है चावल में, चावल में अच्छी सी भाप बन चुकी है, चावल बिल्कुल रेडी है दम पे जाने के लिए, ठीक है। अब इसका फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर दिया है फ्लेम, ये अच्छे से दम हो जाएंगे। कीमा हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें कीमा भी हमारा रेडी है, तेल ऊपर आ चुका है सारा, देखें तेल छोड़ दिया है कीमे ने अपना, तो कीमा तो हमारा रेडी है सर्विंग के लिए। जैसे ही हमारे चावल तैयार हो जाते हैं तो हम इसको सर्व कर देंगे। ये इसमें डन हो गया है, इसमें हरा धनिया चला गया, चावल भी हमारे डन हो गए हैं। देखें एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है, चलिए इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखें बन चुका है, ये बघारे हुए चावल हैं जीरे वाले, ठीक है जनाब, ये इसके साथ बड़े ही मज़ेदार से लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।